उद्योग, व्यापार, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के जगत में भारत एक विश्वव्यापी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। हमारी ठोस भारतीय बैंकिंग प्रणाली एक प्रगतिशील राष्ट्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हमारी बैंकिंग प्रणाली प्रति कार्य दिवस पर औसतन 45 लाख चेकों का निष्पादन करती है। इसको निष्पादन करने में दस्तावेज कई हाथों से होकर गुजरते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक जगत में कार्य करने का कुशलतम तरीका नहीं माना जा सकता। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI को 10 अग्रणी बैंकों द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। इसने कई रिटेल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स प्रदान करके बैंकिंग प्रणाली के कार्य को सरल बनाने हेतु कई सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सौगातों को प्रारंभ एवं विकसित किया है, जैसे नेशनल फाइनेंशियल स्विच फॉर ATM ट्रांजैक्शंस, इंटरबैंक मोबाइल पेमेंट सर्विसेज, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, रुपे ब्रांड डोमेस्टिक क्रेडिट और डेबिट कार्ड सॉल्यूशंस और ऑटोमेटेड चेक क्लियरिंग हाउस सिस्टम। भारतीय रिजर्व बैंक ने नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में चेक ट्रंकेशन सिस्टम का प्रारंभ किया। इस अनुभव के साथ अब NPCI ग्रिड चेक ट्रंकेशन सिस्टम का प्रारंभ कर रही है। ग्रिड CTS प्रणाली डिजिटल हस्ताक्षर और इंक्रिप्शन जैसे आजमाए हुए सुरक्षा के विशेष गुणों द्वारा युक्त होते हुए एक अत्यंत दक्ष इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन और चेक वापसी प्रणाली के साथ चेकों की वास्तविक लेन देन प्रक्रिया को बदल देता है। ग्रिड CTS गतिशील है, डिजिटल रूपी प्रमाणित है, सभी शाखाओं में उपलब्ध है और T+1 क्लियरेंस देता है। यह अत्याधिक विश्वसनीय भी है और आंकड़ों की पुनः प्राप्ति को संभव बनाता है। सभी सहभागियों को वर्तमान सिस्टम से अधिक दक्षता देते हुए ग्रिड CTS एक क्लियरिंग हाउस का उपयोग करते हुए विभिन्न स्थानों से पास होने के लिए आने वाले चेकों को स्वीकारता है। उदाहरण के लिए ग्रिड CTS चेन्नई सिस्टम बेंगलोर क्लियरिंग हाउस के कार्यकलापों को भी संभाल सकता है। सभी बैंकों में सरल क्रियान्वयन और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने आधुनिक गुणों के साथ जैसे वाटरमार्क, व्हाइट पैंटोग्राफ, यूवी स्याही में बैंक का लोगो, माइक्रो लेटरिंग, नया रुपए का चिन्ह और मानक क्षेत्रों की जगह रखते हुए छेड़छाड़ रहित चेक पत्रों को प्रारंभ करते हुए चेक प्रारूपों के मानकीकरण हेतु CTS 2010 चेक मानकों को लागू करने के लिए NPCI और भारतीय बैंक संघ को संयुक्त जिम्मेदारी भी सौंपी है। यहाँ देखिए ग्रिड CTS कैसे कार्य करता है। एक ग्राहक अपने बैंक में एक चेक जमा कर रहा है। उसके चेक का चित्र और MICR आंकड़े द्रुत गति स्कैनर्स द्वारा कॉपी कर लिए जाते हैं। चित्र और अन्य विवरण एक सेंट्रलाइज्ड चेक प्रोसेसिंग सेंटर को भेज दिए जाते हैं, जहां इसे डिजिटल रूप में पढ़ा जाता है, छांटा जाता है और संबंधित शाखा को आगे बढ़ा दिया जाता है। हस्ताक्षर सहित चेक विवरण सत्यापित किए जाते हैं और चेक राशि को भुगतान हेतु पारित कर दिया जाता है। अस्वीकृत चेकों को उचित कारणों के साथ वापसी चक्र में लौटा दिया जाता है। अतिरिक्त रूप से चेक चित्रों को भविष्य में जरूरतों के लिए संग्रहित कर लिया जाता है। पिछली शाम मैंने कांचीपुरम में मेरी शाखा में एक चेक जमा किया था। आज शाम को चेन्नई में राशि मेरे पिताजी के खाते में जमा हो चुकी है। इस इलेक्ट्रॉनिक युग में चेक भुगतान, लेकिन सर ग्रिड CTS और स्पीड क्लियरिंग के साथ चेक राशि अगले कार्य दिन में ही जमा हो जाती है। ग्रिड CTS आपकी उंगलियों की नोक पर चेक लेन देन विवरण सुनिश्चित करता है। अब जिंदगी कितनी आरामदायक है। ग्रिड CTS के साथ बैंक और कॉर्पोरेट्स बहुत से लाभ उठाते हैं, जैसे खाते में पहले से जल्द जमा, कार्य संचालन दक्षता में वृद्धि और सुरक्षा में बढ़ोतरी।
भारत के निरंतर आगे बढ़ने के साथ NPCI हर भारतीय की जिंदगी में मूल्यों, सरलता और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है।